हाय गाइस, दिस इज जीआर। यू वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, आप लोगों के लिए आज की जॉब बहुत ही अच्छी जॉब्स। दो दिन तीन दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था लोडिंग अनलोडिंग पिकर्स पैकर्स का, तो उसी जॉब का मैं आज आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। एक्चुअल में उस समय थोड़ा जल्दीबाजी में वो वीडियो डाला था क्योंकि क्लाइंट की तरफ से वो एक डेट फिक्स थी, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख का इंटरव्यू था। अभी प्रेजेंट टाइम में नेक्स्ट 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिन और चलने वाला इंटरव्यू है। 2 राउंड में इंटरव्यू चलेगा, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हैंड टू हैंड, नेक्स्ट डे जॉइनिंग रहेगी। तो आज मैं उसी के बारे में आपको पूरी अपडेट देता हूं। एक्चुअल ये जो जॉब है वो है बहुत ही अच्छी कंपनी में, जो मैंने पहले जो है आपका जो है क्लाउड किचन के नाम से एक जो वीडियो डाला था, क्लाउड किचन के नाम से जो है आपको एक वीडियो डाला था चेन्नई लोकेशन के लिए। कौन सी कंपनी थी वो? स्विगी। कौन सी थी? स्विगी कंपनी में क्लाउड किचन के नाम से मैंने एक वीडियो डाला था। उसी स्विगी कंपनी में आपको लोडिंग अनलोडिंग पिकर्स और पैकर्स तीन से मिला लगाकर 4 टाइप का आपको काम मिलेगा। कंपनी कौन सी रहेगी? सेम स्विगी। स्विगी कंपनी में पिकर पैकर का काम। अब काम कैसा रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, टाइमिंग क्या रहेगा, वो सारा का सारा मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और मैं जिस हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा आपको, तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में आपका कोई डाउट रहेगा। एक और बात, ये जो जॉब्स होने वाली है आज की जॉब, वो सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर वालों के लिए होने वाली है। कहने का मतलब खाली बेंगलोर वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो ऑलरेडी बेंगलोर में रह रहे हैं, ऑलरेडी जो बेंगलोर में रह रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाली जॉब्स है। क्योंकि इस कंपनी में ना तो फूड की व्यवस्था है और ना ही रूम की व्यवस्था है। कंपनी की तरफ से रूम और फूड जो है दोनों प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, आपको इस जॉब में देखने को नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए गाइस रिक्वेस्ट आपसे कि कुछ भी गलत सलत कमेंट्स नहीं करें, अच्छे से वीडियो देखें, पूरा एंड तक देखें। तो जॉब जो होने वाली है वो स्विगी कंपनी में होने वाली है। अब स्विगी कंपनी में पैकर्स पिकर्स का काम कहां पे होने वाला है? किचन का नहीं रहेगा, ये रहेगा आपका जो है स्विगी इंस्टामार्ट। स्विगी का इंस्टामार्ट आपने मेरे हिसाब से नाम तो सुना होगा, स्विगी इंस्टामार्ट, जैसे कि बिग बास्केट रहता है, बिग बास्केट का नाम सुना होगा आपने। बिग बास्केट बहुत ही अच्छी कंपनी है एक ग्रोसरी मार्केट में, जो डोर टू डोर डिलीवर करती है, घर घर जाके जो है अपना सामान प्रोडक्ट जो है डिलीवर करती है, खाने का सामान वगैरह हुआ वो सब जो है डोर टू डोर डिलीवर करती है। तो उसी कंपनी का सेम में जो है स्विगी में इंस्टामार्ट, स्विगी इंस्टामार्ट का रहेगा। नाम बहुत अच्छा है, नाम सुना होगा शायद आपने। बिग बास्केट जैसा काम करता है वैसा ही वैसा इसका भी काम रहता है। ये वीडियो में आपको जो एक 7 या 8 महीने पहले ऑलरेडी मैं बना के डाल चुका हूँ। अभी जो है प्रेजेंट टाइम में सेम कंपनी में वापिस वैकेंसी निकली है, अगेन वैकेंसी निकली है आपके लिए स्विगी इंस्टामार्ट में। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स रिक्वायरमेंट रहेंगे। लैंग्वेज इसमें हिंदी, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु। कहने का मतलब है कि आपकी कौन सी भी इन सी लैंग्वेज में रहने दो, कॉमन क्या होनी चाहिए? इंग्लिश। इन सब में क्या आनी चाहिए? इंग्लिश मेन आनी चाहिए, क्योंकि ये काम ऐसा ही है, इसमें काम ऐसा ही है। इंग्लिश के साथ में चाहे हिंदी रहने दो, इंग्लिश के साथ में आपका कन्नड़ा रहने दो, इंग्लिश में साथ चाहे तो आपको तेलुगु, या फिर इंग्लिश में चाहे तमिल, इंग्लिश के साथ इंग्लिश। तो कहने का मतलब है कि इंग्लिश लैंग्वेज के साथ में आपकी कोई से भी एक लैंग्वेज चलेगी। अब इसमें एज लिमिट की बात आती है, तो एज लिमिट तो हर कंपनी में हमारे यहाँ 18 से लगाकर 25 ईयर्स जो है लास्ट रहता है, लेकिन इस कंपनी में जो है आपको
30 इयर्स भी चलेगा, अगर आप 30 साल के हैं तो भी चलेगा इस जॉब के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन कंपनी रिक्वायरमेंट इसमें 10th मिनिमम आप 10वीं पास होना चाहिए, 12th मिनिमम 10th और 12th पास कैंडिडेट्स होना चाहिए इस जॉब के लिए। अब सैलरी और इच्छन में काम क्या रहे अंदर में आपका, कि जो स्विगी इंस्टामार्ट में है जो लड़के डिलीवरी करते हैं, जैसे जो है चावल हो गया, ठीक है, जैसे जो है मतलब राइस हो गया, जैसे चावल हो गया, दाल हो गया, मतलब ऑयल हो गया, तो वो सब जो ग्रोसरी आइटम रहता है वो क्या करता है कि बिग बास्केट की तरह ऑर्डर आता है उनका, वो ऑर्डर लेके घर घर जो है डिलीवर करते हैं। आपका अंदर में क्या काम रहेगा कि ये जो सामान है, ये जो सामान की लिस्ट आपको दी जाएगी कंपनी की तरफ से, आपको लिस्ट दी जाएगी, एक वो लिस्ट देख के आपको सामान निकालना रहेगा। मान लो कि जो है 20 प्रोडक्ट की आपको लिस्ट दी, 20 प्रोडक्ट में आपको टाइमिंग दिया जाएगा कि इस टाइम में फटाफट जो है निकाल निकाल के सामान रेडी करना है, रेडी करने के बाद जो है उसको अच्छे से एक कार्टून में पैक करना है, या तो पैक करना है कार्टून में, या फिर कंपनी की तरफ से उसका एक कवर रहेगा या पॉलिथीन रहेगा या कुछ ऐसा बैग रहेगा, उसमें आपको जो है डालना है पूरा अंदर में, उसके ऊपर स्टिकर लगाना है कि जो है एक्स वाई जेड अपार्टमेंट का है, एक्स वाई जेड घर नंबर का है, जो भी है वो डाल के उसके ऊपर स्टिकर लगाना है। अब उतना ही काम रहता है, ज्यादा कुछ हार्ड काम नहीं रहता, लेकिन इसमें भी जो है एक्सपीरियंस चाहिए और उसमें भी थोड़ा इंग्लिश लेवल चाहिए, इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितनी भी आपको लैंग्वेज रहेगी उस बिल में, जो भी भाषा लिखी रहेगी वो सारी की सारी इंग्लिश में लिखी रहेगी। दाल को क्या बोलते हैं, दाल, तेल को क्या बोलते हैं, ऑयल, 3 लीटर ऑयल है, ठीक है, 3 लीटर ऑयल निकालना, कौन सी कंपनी का निकालना, फॉर्च्यून कंपनी का 3 लीटर ऑयल निकालना, कौन सी कंपनी का निकालना, सफोला गोल्ड निकालना, आटा चाहिए, आटा कितना निकालना, 10 किलो आटा निकालना, कौन सा निकालना, आशीर्वाद कंपनी आईटीसी का, कौन सा निकालना, अन्नपूर्णा, कौन सा निकालना, एक्स वाई जेड बोले तो आपको जो बिल में क्या लिखा रहेगा, बिल में जो लिखा रहेगा वो बिल देख के, स्लिप देख के आपको वो प्रोडक्ट, वो आइटम अंदर से निकालना है। रेक रहता है पूरा लंबा चौड़ा जो अच्छे से रेक रहता है, वो रेक से जो है आपको सामान निकालना रहेगा। इसमें टाइमिंग क्या रहती है, टाइमिंग आके आपका सुबह 9:30 हो गया, 10:30 हो गया, 8:30 हो गया। अब कहने का मतलब है कि इसमें जो है कंपनी रोटेटेड शिफ्ट चलाती है, 9 घंटे का ड्यूटी रहेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 9 आवर्स का ड्यूटी रहेगा। कितना रहेगा, 9 घंटे का ड्यूटी रहेगा, जिसमें से 1 आवर ब्रेक मान लीजिए, ठीक है, ब्रेक बोले तो नाश्ता चाय पानी का 1 आवर ब्रेक हो गया, और 8 घंटा आपका ड्यूटी काउंट होगी, तो 9 घंटे टोटली ड्यूटी रहेगी। और शिफ्ट चलने वाली है इसमें 4 से 5 शिफ्ट चलने वाली है, सुबह भी चलती है, शाम को भी चलती है, दोपहर में भी चलती है, रात में भी चलती है, रात में 6 बजे से लगाकर 1 बजे तक जो है चलती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसी शिफ्ट जो है रोटेटेड शिफ्ट रहती है, 15 दिन के अंदर 1 महीने के अंदर आपकी शिफ्ट चेंज होती रहती है, वो 24 आवर्स जो है उनका काम चलता रहता है, 24 आवर्स उनका जो है काम चलता रहता है। तो आपको वो एक लिस्ट दी जाएगी, वो लिस्ट में जो है सामान देख के आपको निकालना रहेगा। अब बारी आती है आपकी सैलरी की, कि सर सैलरी क्या रहेगी, सैलरी इसमें आके इन हैंड 15,000, कितनी, 15,000 इन हैंड बता रहा हूं मैं, इन हैंड जो आपके अकाउंट में क्रिएट होने वाली सैलरी, जो आपके खाते में आने वाली सैलरी है, वो सैलरी है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए इसके अलावा प्लस, यह हर वीडियो में लगता है मेरा प्लस, और प्लस का बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, बहुत फायदा देने वाला है ये प्लस पॉइंट। प्लस ESIPF का मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसका क्या बेनिफिट रहता है। तो ESIPF 15,000 सैलरी, ESIPF प्लस इंसेंटिव। आप बोलेंगे कि सर इसमें इंसेंटिव कैसे काउंट होता है,
15,000 सैलरी रहेगी, ईएसआई पीएफ रहेगा, प्लस इंसेंटिव रहेगा। इंसेंटिव ऐसा है कि आपका जो है एक लिस्ट दी जाती है ना, वो लिस्ट के हिसाब से आप कितना जल्दी उसको सामान को निकाल के पैक करते हैं, ठीक है, कितना जल्दी सामान को निकाल के पैक करते हैं। एक सामान निकाला, निकाल के पैक किया, एक दूसरा ऑर्डर निकाला, निकाल के पैक किया, तीसरा आइटम निकाला, निकाल के पैक किया। तो कहने का मतलब है कि आपकी फुर्ती के ऊपर, आपका जो है कितना जल्दी आप काम करते हैं उसमें, उसके ऊपर है, उसके ऊपर इंसेंटिव रहता है। मान लो कि जो है शाम तक जो आपने 10 ऑर्डर निकाला, ठीक है, आपका जो है एक टारगेट दे रखा कि सुबह से शाम 15 ऑर्डर आपको जो है निकाल के रेडी करना है, कितना 15 ऑर्डर आपको निकाल के रेडी करना है। लेकिन आपका स्पीड और आपका इंग्लिश इतना अच्छा है कि आपको सब नॉलेज है कि एक्स वाई जेड सामान कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, आटा कहाँ रखा हुआ है, तेल कहाँ रखा हुआ है, वो सब अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, और आटा कौन सा है, सफोला ऑयल कौन सा है, कौन सा तेल है, तो उसका नॉलेज है थोड़ा बहुत, तो आप फटाफट फटाफट कर सकते हैं। अगर आपने जो है 15 जो है एक ऑर्डर निकाल दिया, तो उसके ऊपर कंपनी कुछ इंसेंटिव देती है। वो इंसेंटिव कितना रहता है वो सारा का सारा आपको इंटरव्यू में बता दिया जाता है, इंटरव्यू में क्लियर होता है। तो मान के चलो कि 15,000 सैलरी है आपका, ठीक है, ईएसआई पीएफ है, ठीक है, प्लस इंसेंटिव है, ठीक है, इसके अलावा 9 घंटे 9 आवर्स का ड्यूटी है, इसके अलावा 26 दिन ड्यूटी है, कितने दिन, 26 दिन वर्किंग डेज रहेगा, ना कि 30 डेज, 26 दिन वर्किंग डेज रहेगा, क्योंकि ये स्विगी से जॉइंट है, बोले तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 26 दिन ड्यूटी रहता है, 26 दिन ड्यूटी रहने वाली है, 9 घंटा ड्यूटी होने वाली है, ये सब पीएफ रहेगा, 15,000 सैलरी रहेगा। इसके अलावा बोनस जो रहता है, क्या रहता है बोनस, अगर आप जो है 26 दिन पूरा कर लेते हैं इस कंपनी में, या फिर इस 26 दिन कंटिन्यू ड्यूटी कर लेते हैं बिना छुट्टी लिए हुए, तो कंपनी की तरफ से आपको कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी दिया जाता है, जिसको अटेंडेंस बोनस बोलते हैं। क्या होता है अटेंडेंस बोनस, वो एक 1500 रुपये या फिर 2000 रुपये के लगभग, मतलब एक रहता है, वो भी आपको जब इंटरव्यू देंगे ना, तो इंटरव्यू में पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाता है, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें पूरा क्लियर रहता है कि जो आपका इतना ज्वाइनिंग बोनस रहेगा, इतना इंसेंटिव रहेगा, वो सारा का सारा। दूसरा इसमें ये है कि अभी जो है ये जॉब जो है ऑल ओवर बेंगलोर में चल रही है, कहाँ पे है, ऑल ओवर बेंगलोर रिक्वायरमेंट, आप चाहे बेंगलोर में कौन से भी एरिया से क्यों ना हो, आपके नियर बाई में एक स्विगी इंस्टामार्ट का हब रहता है, वहां पे ये रिक्वायरमेंट रहती ही रहती है, समझे ना मेरा कहने का मतलब। आप कल ही जो है वहां नहीं धमक जाना कि सर जो है हम लोगों ने सर का वीडियो देखा था, आपके पास जॉब है क्या, यहाँ वहां आपको डायरेक्ट कोई नहीं लेने वाला है। अगर आप हमारी कंपनी के थ्रू जाएंगे तो आपको रिस्पांस थोड़ा अच्छा मिलेगा और जल्दी मिलेगा, क्योंकि हम लोगों को पता रहता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा स्टोर वैकेंट है, कौन से एरिया में, कौन सी जगह में खाली है, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी शिफ्ट चल रही है, वो सारा का सारा हम लोगों के पास अपडेट रहता है। अब रहती है इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में क्या रहेगा कि आपका पैन कार्ड एक जरूरी रहेगा, दूसरा आधार कार्ड एक जरूरी रहेगा, तीसरा 3 से 4 एक फोटो लगने वाली है, चौथा आपका जो है 10th या 12th, मिनिमम 12th ही मान चलिए, 12th की जो है एक मार्कशीट होनी चाहिए, 4 से 5 आपके पास आईडी प्रूफ होने ही होने चाहिए। इसके अलावा जैसा मैं बोला कि ओनली ऑन मेल कैंडिडेट, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये, ना तो नॉट ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, ओनली सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स है। इसके अलावा बड़ी बात ये है कि इसमें आपको बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के फ्री ऑफ चार्ज, बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के जीरो प्रोसेसिंग फीस, हमेशा की तरह हम लोगों के पास आपको जीरो प्रोसेसिंग फीस में ये जॉब अवेलेबल है, बिना किसी ज्वाइनिंग फीस के। जहां आप वीडियो देखते होंगे लोडिंग अनलोडिंग पैकर्स का, जो दूसरा वीडियो कंपनी की तरफ से आता है, दूसरा जॉब में बहुत, मतलब हम लोग भी कभी कभी देखते हैं, तो आपको सीधा यही बोलेंगे, इतना रामायण बताने के बाद क्या बोलेंगे पता है, 3,000 दे दो, 4,000 दे दो, 1,000 रुपए दे दो, 1,500 रुपए दे दो, आपको 3 महीने में रिटर्न करेंगे, 6 महीने में रिटर्न करेंगे, या फिर आपका जो ज्वाइनिंग फीस लगेगा हम लोगों का ये चार्ज लगेगा, हम लोगों का वो चार्ज लगेगा, लेकिन यहाँ पे आपको हमारे थ्रू कोई भी चार्ज नहीं है, जीरो चार्जिंग मतलब आपको जॉब फ्री मिल रही है। तो काम आपको करना है और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है,
इसके अलावा जैसा मैं बोला कि जो है ईएसआई पीएफ अगर आप मिनिमम कंपनी में जो है 6 महीना काम करते हैं तो 6 महीने के बाद आप ईएसआई पीएफ विड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन इसमें जैसा मैं कि स्टार्टिंग में बोला था आपको कि इसमें जो है कंपनी की तरफ से 9 रूम है प्लस 9 फूड है। कंपनी की तरफ से जो है रूम और फूड की फैसिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि कंपनी रूम और फूड फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करती जाती है। कंपनी की तरफ से रूम और फूड की फैसिलिटी नहीं रहेगी। अब इसमें क्या रहता है कि काफी कंपनी वाले ऐसा करते हैं जहां कंपनी जो है 15,000 सैलरी देती है कैंडिडेट्स को, ठीक है, वहां जो है ऐसी एजेंसी और ऐसी कंपनी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं फिर इसमें जो है बंदे को जो है 12,000 देते हैं। कितना? 12,000 देते हैं। 12,000 देके बोलेंगे काम मिला देंगे, खाना भी हमारी तरफ से रहेगा, ठीक है, और रूम भी हमारी तरफ से रहेगा। मतलब रूम और खाने की फैसिलिटी वो लोग ऐसे एजेंसी वाले देते हैं, काफी एजेंसी वाले हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है कि वो सैलरी कितना देते हैं 12 और कंपनी को कितनी आती है 15। कंपनी से उनको 15,000 सैलरी आती है, आपको 12,000 देता है और रूम और खाने की फैसिलिटी आपको देती। लेकिन जो ये रूम और खाने की फैसिलिटी देता है ना, पता नहीं कि इस रूम में जो है 6 बंदे रहते हैं 10 बंदे रहते हैं, कैसे रहते हैं, रूम कैसा रहता है, वो मुझे आइडिया नहीं है। दूसरा फूड के नाम पे आपको 2 टाइम मिलता है, 3 टाइम मिलता है, 1 टाइम मिलता है, या फिर जो खाना दिया जाता है वो कैसा खाना दिया जाता है वो भी फिक्स नहीं क्योंकि उनको तो जो है मतलब पैसे से मतलब है। फिर इसके अलावा आपसे जो है 2-3 हज़ार रुपए यहाँ ले लेते हैं प्लस आपको बुला लेंगे गांव से कि जो है काम मिल जाएगा, हम लोगों के पास पैकिंग और पैकर्स का काम है। कैसा? पैकिंग और पैकर्स का काम है। फिर आने के बाद बोलेंगे कि 1,000 रुपए दे दे, 1,000 रुपए दे दे। अब आने के बाद बंदा क्या करेगा, ना इधर का ना उधर का, तो इसको उसको 1,000 रुपए पे करना पड़ता है। मैं इसका वीडियो अच्छे से आपको एक बार एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि हम लोगों के पास ऐसे केसेस बहुत आते हैं, सर XYZ एजेंसी ने हमको बुलाया था और पहले कुछ बोला नहीं है, रूम फ्री देंगे और जो है हम आपको जो है काम मिल जाएगा, आ जाओ, ये सैलरी रहेगी। आने के बाद हमसे जो है 1,000 रुपए मांग रही है, ठीक है, आने के बाद हमसे जो है 1,500 रुपए मांग रही है, आने के बाद हमसे जो है 3,000 रुपए मांग रही है। मतलब ऐसे ऐसा किस्सा, ऐसे ऐसे केसेस जो हम लोगों को बहुत सुनने को मिलते हैं, बहुत सुनने को मिलते हैं आज के टाइम में। तो गाइस रिक्वेस्ट है कि आपसे ऐसे के जासे में ना पड़े, ऐसी एजेंसियों के जासे में ना पड़े और ऐसे कंसल्टेंसी की जासे में ना आए। आपको फ्री जॉब मिलती है, काफी ऐसे प्लेटफॉर्म है जो कंपनी जो फ्री जॉब प्रोवाइड करती है, हम लोगों के पास भी फ्री जॉब्स रहती है लेकिन हम लोगों के पास क्या रहता है 10 दिन 5 दिन 6 दिन लास्ट चलने वाली जॉब्स होती है। तो इसकी जॉब्स की डेट आपको 10 तारीख 11 तारीख और 12 तारीख 3 दिन चलने वाली जॉब है। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जो बेंगलोर में रह रहे हैं, जो ऑलरेडी बेंगलोर में रह रहे हैं, जो हिंदी वाले कन्नड़ा तमिल तेलुगु कौन सी भी लैंग्वेज क्यों ना रहे, तो वो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब है, आपको कहीं पर भी 1 रुपये चार्ज देने की जरूरत नहीं है। पिकर्स एंड पैकर्स का जॉब है, स्विगी इंस्टामार्ट के नाम से है, अच्छी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है, सैलरी आपके डायरेक्ट अकाउंट में आती है। तो गाइस थैंक यू फॉर कि आपने पूरा वीडियो देखा एंड तक बने रहे, धन्यवाद करता हूं मैं आप लोगों का। और आप लोगों के लिए मैं ऐसे ही अच्छी जॉब अपडेट्स लेके आता रहूंगा हमेशा के लिए। तो गाइस मिलते हैं कुछ नेक्स्ट अच्छी जॉब के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।